Welcome back. In this particular video, we are going to discuss a case study based question for unit number 1, that is Computational Thinking and Programming of Computer Science Grade 12. We are actually going to solve a question for Python list. इसके previous session में भी मैंने कई different case study based problems के लिए videos बनाए हैं, जिन्हें आप मेरे channel पे जाके देख सकते हैं, और मैंने I button पे इसका link भी आपके साथ share कर दिया है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो लेट्स डिस्कस द केस एंड सी हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स. इट इज सेइंग दैट रजनीश सर हैज मेड फॉलोइंग लिस्ट L1 इक्वल टू 74, 33, 22, 19, 41 एंड 65. And another list is there, that is L2 equal to 20, 40 and 60. He asked his student to write code for the task given below. In the sense, हमारे पास यहाँ पे दो list available हैं. One is your L1 and second is your L2. और इसकी basis पे there are some questions are given, जिन्हें हमें solve करना है. Now the question number 1 is saying that predict the output of the following code. यहाँ पर एक code लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. It is L3 equal to L1.extend in bracket L2. We have to display print L3. Now, इसे यदि हम थोड़ा पहले समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे extend function की, which is basically used for adding values to an existing list. लेकिन हमने एक और method पढ़ा है जिसे हम जानते हैं append method के नाम से. ये दोनों method का purpose तो add करना ही होता है, लेकिन हमने ये discuss किया था पहले कि एक्सटेंड जो होता है वो जितने भी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं या जितनी भी वैल्यूज़ हम पास करते हैं वो सारी इंडिविजुअली हमारे लिस्ट में ऐड होती हैं. जबकि एपेंड के केस में आप कोई भी वैल्यू पास करें, चाहे वो सेट ऑफ वैल्यू हो या सिंगल वैल्यू हो, वो एज अ सिंगल आइटम ही हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड होती हैं. इसका मतलब ये है कि यदि इस कोड को हम एग्जीक्यूट करें, तो यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल आइटम दिख रहा है जो कि एक्चुअली L1 की वैल्यू है, और दूसरी यहां पर जो वैल्यू है दैट इज़ फॉर L2, बट ये दोनों सेपरेटली इंडिविजुअली यहां पे ऐड हो रही हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि एक्सटेंड में जैसे मैंने कहा कि सारी वैल्यूज जो L2 की होंगी वो सेपरेटली ऐड होंगी. सेकेंड में ये बोलता है कि जो मेरा L1 है उसकी तो वैल्यू सारी इंडिविजुअल हैं, लेकिन अगेन L2 सेम है, सिंगल वैल्यू. दिस इज़ नॉट करेक्ट. फाइनली सी में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ L2 की हैं वो इंडिविजुअली यहाँ पर ऐड हो रही हैं. इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इट इज सेइंग दैट राइट अप्रोप्रिएट कोड टू डिस्प्ले फर्स्ट टू लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम लिस्ट L1. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिस्ट हमारे पास L1 है, इसमें अवेलेबल जितने भी नंबर्स हैं उनमें जो सबसे दो बड़े नंबर्स हैं, एज आई कैन सी 74 एंड 65, इन्हें हमें डिस्प्ले करना है. इसे करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस लिस्ट को सॉर्ट करना होगा, और सॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है दैट इज योर सॉर्ट. लेकिन जब हम सॉर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा. असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम करेंगे तो सबसे पहले 19 आएगा, देन 22 आएगा एंड सो ऑन. लेकिन हम इसे अरेंज करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. इसके लिए जब हम सॉर्ट मेथड यूज करेंगे तो यहां पर हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा जिसे हम जानते हैं रिवर्स के नाम से, और यहाँ पे हमें इसे लिखना होगा ट्रू, सो दैट अब अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ये नंबर्स जो भी हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ इस तरह से हमारी लिस्ट में अरेंज हो जाएंगे. तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लूंगा L1.sort, सॉर्ट के बाद ब्रैकेट में जाके मैं लिख दूंगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू. एंड आफ्टर दैट जब ये वैल्यूज अरेंज हो जाएंगी, तो चूंकि मुझे फर्स्ट टू वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, इसका मतलब मैं यहाँ पर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा. स्लाइसिंग का मतलब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लूंगा L1, और उसके ब्रैकेट में मैं ये मेंशन करूंगा कि स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से हमें डिस्प्ले करनी है. तो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमें लेना होगा, दैट इज माई 0, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अप टू द नेक्स्ट वन. चूंकि मुझे सिर्फ टू वैल्यूज को ही डिस्प्ले करना है, सो जो नेक्स्ट इंडेक्स है दैट इज माई 1. इसका मतलब मुझे इसे लेना होगा 2 तक, सो दैट ये स्लाइसिंग होगी, और इसे मैं क्या करूंगा यहाँ से प्रिंट कर दूंगा. एंड जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज हमें फर्स्ट टू लार्जेस्ट नंबर्स मिल जाएंगी. चलिए इसे एक बार हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. मैं सबसे पहले यहाँ पे एक अपनी लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देता हूँ. ये वो वैल्यूज नहीं है जो मैंने एक्सरसाइज में दी थी, बट आप ये अज्यूम करें कि हम वैल्यूज और सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं.
इसके बाद यदि आप L1 को प्रिंट करें तो कुछ इस तरह से वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा, इसके लिए मैं लिखता हूं सॉर्ट और यहां पर मैं पास कर दूंगा एक आर्ग्यूमेंट रिवर्स के नाम से जिसकी मैं वैल्यू डाल दूंगा ट्रू। एंड देन यू सी यदि आप इस L1 को प्रिंट करें तो क्या रिजल्ट आता है। आई एम सॉरी, मैं इसे L1 ले लेता हूं। सो नाउ यू कैन सी ये अरेंज हो चुकी हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसके बाद यदि आप इसे प्रिंट करें 0:2, देन यू सी इट इज शोइंग यू 87 एंड 67। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। नाउ इट इज सेइंग दैट रमन इज नॉट एबल टू डिलीट लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट L1, हेल्प हिम टू सेलेक्ट करेक्ट कोड। इन द सेंस ये जो मेरी लिस्ट है L1, अब मुझे इसके लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर, तो इसके लिए हमें सही कोड को इसमें से सेलेक्ट करना है। लिस्ट में से वैल्यूज को डिलीट करने के लिए हम डेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो पॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली पॉप मेथड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें कोई एक सिंगल वैल्यू को डिलीट करना होता है और एक से ज्यादा वैल्यूज को यदि आप डिलीट करना चाहें तो हम डेल का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हमें उसकी रेंज मेंशन करनी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेल के द्वारा सिंगल वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन है डेल L1 5, एंड यू सी दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब 5 जो इंडेक्स नंबर है दैट इज करेक्ट। तो यदि आप डेल L1 5 करेंगे तो बिल्कुल लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद पॉप में भी आपने इंडेक्स नंबर 5 दिया है तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सी ऑप्शन है दैट इज पॉप, जहां पर हमने कोई इंडेक्स नंबर नहीं डाला है, तो क्या ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा? तो ये बिल्कुल डिलीट करेगा, बिकॉज यदि आप पॉप मेथड को विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट या विदाउट एनी इंडेक्स नंबर जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमेशा एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है। सो ये भी सही होगा। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दें कि इट शुड बी एक्चुअली L1.pop एंड इट शुड बी L1.pop अगेन, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। सो इन द सेंस इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल आर करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट सर वांट्स टू ऐड ए न्यू नंबर आफ्टर 19 इन द लिस्ट L1। ही आस्क्ड रहीम टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ 19, व्हाट कोड रहीम शुड टेल हिम। नाउ हमारी ये जो लिस्ट है इसमें सर जो हैं वो चाहते हैं कि जो नया नंबर है वो 19 के बाद ऐड होना चाहिए, मतलब 19 और 41 के बीच में। सो दैट अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ये जो 19 है इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो इसके लिए हमें सही कोड बताना है। वेल वी ऑल नो दैट देर इज ए मेथड कॉल्ड इंडेक्स, जिसकी हेल्प से हम किसी भी लिस्ट में जो भी नंबर हम इसमें पास करें एज एन आर्ग्यूमेंट उसकी हमें पोजीशन पता चल जाती है, इंडेक्स की पोजीशन पता चल जाती है। सो इसका जो कोड होगा दिस विल बी सिंपली L1.index और आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट ऐड 89 सो दैट इट इज द 5th नंबर ऑफ लिस्ट। इन द सेंस हमारे पास ये जो लिस्ट है इसमें हमें 89 को 5th पोजीशन में ऐड करना है, इसका मतलब 19 और 41 के बीच में। तो ऑलरेडी यहाँ पे 5th पोजीशन बोल रहा है, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जब भी हमें किसी लिस्ट में डेटा को ऐड करना होता है वहां पर जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट योर इंसर्ट। और इंसर्ट के अंदर सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा कौन सा इंडेक्स नंबर है, एंड इसके बाद में आपको ये बोलता है कि कौन सी वैल्यू है जो आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसे आपको पास करना होगा। खास बात यहाँ पे ये है कि इट इज सेइंग दैट 5th नंबर, इसका मतलब 5th नंबर में जो वैल्यू होगी उसकी जो इंडेक्स पोजीशन होगी दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब हम यहाँ पे पास करेंगे 4 नंबर इंडेक्स जो कि 5th नंबर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, और इसे हमें कॉल करना होगा L1 के साथ में। तो जब आप लिखेंगे ये कोड तो ऑटोमेटिकली ये 89 5th नंबर पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हम अपेंड या एक्सटेंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मेथड्स होते हैं ये लिस्ट के एंड पे वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए लेक्चर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।